बड़ी खबर, पूर्व सीएम कमलनाथ ने मतदान किया है छिंदवाड़ा से, जो कि उनका गढ़ है, और इस बार विधानसभा चुनाव के लिए वो लड़ रहे हैं। हालांकि इससे पहले छिंदवाड़ा से ही सांसदी का उन्होंने चुनाव लड़ा, जीते भी, अजय रहा उनके लिए हर बार उनका हर चुनाव, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव का, विधायकी का ये चुनाव, और इस बार क्या वो अपने तमाम संकल्पों में प्रदेश की सत्ता में वापस आने में सफल होते हैं या नहीं, सीधे सीधे कमलनाथ की साख दांव पर है। 2018 में सफल वो जरूर हुए, लेकिन 1.5 साल बाद ही उन्हें प्रदेश की सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। इस बार भी ताबड़तोड़ प्रचार हुआ, गारंटीज वारंटीज इस बार जनता के सामने रखी गई है, तमाम रेवड़ियां देने की घोषणाएं की गई है। अब कितना सफल वो इसमें हो पाते हैं, उनकी जो रणनीतियां हैं, क्योंकि एक बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं कमलनाथ, जिसके तहत 2018 में उन्होंने 15 साल की सरकार को प्रदेश की सत्ता से बाहर किया था, और अब एक बार फिर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा, तो एक बार फिर से चुनावी मैदान में उसी दमखम के साथ कमलनाथ उतरे हैं। कुछ देर पहले उन्होंने मतदान किया और साथ ही उन्होंने अपील की है मतदाताओं से, समझदारी से अपने मत का इस्तेमाल कीजिएगा, अपने मत का प्रयोग समझदारी से कीजिएगा, और आरोप भी लगाया शिवराज सरकार पर, साफ तौर पर कहा कि शिवराज ने इस प्रदेश को चौपट प्रदेश बना दिया है। हालांकि ये आरोप प्रत्यारोप हम लगातार देख रहे हैं, और देखिए हम लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ही तमाम मतदान केंद्रों से, क्योंकि मतदान की प्रक्रिया अब दोनों ही जगह शुरू हो चुकी है। 7 बजे से मध्य प्रदेश में 230 सीटों के लिए, छत्तीसगढ़ में 8 बजे से ये चुनाव प्रक्रिया शुरू होनी थी और शुरू हो चुकी है, और लोगों का भी पहुंचना धीरे धीरे शुरू हो चुका है। और चलिए मैं भोपाल का रुख कर लेती हूँ, मेरे सहयोगी विपिन जुड़ गए हैं हमारे साथ। विपिन, लगातार मध्य प्रदेश की सत्ता, वहां के राजनीतिक समीकरण आप हमें समझाते रहते हैं। आज दिखाइए तस्वीर, जो राजनीतिक जो दावपेच खेले जा रहे थे, कितना असर जनता के बीच दिख रहा है, और अभी क्या तस्वीर मतदान केंद्रों के बाहर? बिल्कुल बिल्कुल पूजा, तस्वीर यही है कि मतदान छोटा सा गांव है जहां पर मैं खड़ा हूं, बुधनी जिले का, तो ये बुधनी में जिला बनाने की मांग चली आ रही थी, वही बात मैं बताने चाह रहा था कि यहाँ की जनता दरअसल जिला बनाने की लगातार मांग कर रही थी। बुधनी चूंकि शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र कहलाता है, लेकिन बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुंच रही है मतदान से। अभी हालांकि वैसी भीड़ नहीं है जैसी होनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे आना शुरू हो चुका है यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान। कोशिश कीजिएगा विभिन्न महिलाओं से बात करने के लिए, क्योंकि इस बार तो आधी आबादी सबके फोकस में रही है। बिल्कुल मैं बात करने की कोशिश भी करूंगा यहाँ पर। देखिए कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं, क्या लग रहा है इस बार बाकी चीजों का फायदा मिला, जिस तरह से लाडली बहना योजना की बात की जाती है, तो ये सब चीजों को आपको क्या लगता है कि अच्छा लगता है भैया? शिवराज भाई जीत है, तुम्हारे मामा जी जीतेंगे भाई, सब मेला आप ही उन्हीं के तो गाँव है जहाँ है। और कुछ आपको लगता है कि किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट करने जाते हैं? अच्छा थाली भी लेके तो घूम रहे हैं आप, किसके किसके लिए? मामा जी के लिए आरती उतारेंगे, इसलिए तिलक कर दिया, बहुत सारी दुआएं भी उनको, वो ही जीतेंगे। अच्छा देखिए महिलाएं अभी जो मेरे सामने अभी दिख रही है स्क्रीन बूथ के ठीक बाहर आरती करने की बात कर रही है, शिवराज सिंह चौहान भी अब इस जगह पर आने वाले हैं जहां से मैं देख रहा हूं पीछे रास्ते से, वो भी पूजा कर रहे हैं। और महिलाओं को लेकर जब भी बात होती है ना पूजा, ये देखिए महिलाओं को लेकर एक बड़ा दाव बीजेपी ने खेला है, जो लाडली बहना योजना है, उस योजना के जरिए महिलाओं को पहुंचाना, जो जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि किस तरह से जो गारंटी की बात करती है, जैसे कांग्रेस ने इस बार गारंटी दी है कि कांग्रेस कहती है कि 1500 महीने पहुंचेंगे। देखिए महिलाओं की संख्या भी यहाँ पर पोलिंग बूथ को मैं अभी देख रहा हूँ तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज्यादा दिख रही है, अभी तो महिलाएं धीरे धीरे पहुंचना शुरू कर दी है, तो एक बड़ा दाव जहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि इस तरह की जब योजना शुरू मध्य प्रदेश में की गई तो उस योजना के जरिए करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ पहुंचाया गया है, तो इस तरह से देखा जाए तो महिलाओं के बीच में एक बड़ा दाव, यही दाव कांग्रेस ने खेला है जहां पर 1500 महीने देने का वादा किया है। आधी आबादी मध्य प्रदेश के करीब 5.5 करोड़ की जो मतदाता है उनमें से आधी आबादी महिलाएं हैं, तो यही वजह है कि इस बार चाहे चुनाव के जो मुद्दे रहे हों वो महिलाओं से जुड़े हैं, आदिवासियों से जुड़े हैं, युवाओं से जुड़े हैं,
तो उनको फोकस करना भी इसका एक मकसद। और बिल्कुल मतदान से ठीक पहले कल भी महिलाओं के बीच ही नजर आ रहे थे शिवराज सिंह चौहान, आधी आबादी को पूरी तरह से साधने की कोशिश हो रही थी। अंजलि, तो बिल्कुल विपिन, सबसे बड़ी बात यही है कि इस बार बहुत महत्वपूर्ण आदिवासी, और आप मतदान केंद्र पर जहां मौजूद है हम देख रहे हैं वहां पर महिलाएं पहुंच रही हैं। और शिवराज सिंह चौहान देखिए, हमेशा से लाडली लक्ष्मी योजना और महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं जो लाते हैं उस पर ही फोकस रहता है, लेकिन देखिए विपिन इस बार वाकई अलग है चुनाव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से इस बार चेहरे के तौर पर किसी को पेश नहीं किया गया। वहीं मुद्दों की बात की जाए, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा भी करें, तमाम गारंटियां दोनों ही पार्टियों की तरफ से, विपिन क्या जो मतदाता है उनके अंदर भी ये चीजें आप देख रहे हैं, और जो महिलाएं पहुंच रहे हैं, आपने अभी रिएक्शन लिया तो देखिए मामा पर पूरा भरोसा, और यही वजह है आधी आबादी दोनों ही पार्टियों के लिए फोकस रहा विपिन। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अंजलि मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब मतदान के ठीक पहले, जब इसके पूरे पूरे 40 दिन जब आचार संहिता लगी थी, इन 40 दिन में पूरा फोकस किया गया था। जब ये योजना शुरू की गई थी उसको भी 4 महीने पहले लॉन्च किया गया, जो लाडली बहना योजना है, ये पूरा एक तैयारी जिस तरह की गई थी वो उसी वक्त की बात है जब कमलनाथ ने भी नारी सम्मान योजना का जिक्र किया था कि जब सरकार में आएंगे तो 1500 रुपये महीने देंगे। 1000 और 1500 रुपये महीने की जो बातचीत कांग्रेस और बीजेपी की हो रही है, उसमें गैस सिलेंडर को भी अगर जोड़ लें तो वो भी महिलाओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 450 रुपये का गैस सिलेंडर का बीजेपी दावा करती है तो 500 रुपये महीने का कांग्रेस दावा करती है। तो ये बताता है कि किस तरह से जो गारंटियों का अगर जिक्र किया जाता है, उसमें जैसे कांग्रेस की गारंटी है किसान कर्ज माफी, जो कि पिछली बार जब सरकार बनी थी कांग्रेस की तो किसान कर्ज माफी 2 लाख की जो योजना का जिक्र राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की जमीन पर किया था, उसी के दम पर मुझे जो लगता है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस के साथ किसान का एक बड़ा तबका, क्योंकि मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में, मध्य प्रदेश में माना जाता है 60% से ज्यादा किसान है, ऐसी स्थिति में किसानों को जब इस तरह का ऐलान किया गया तो उसका असर भी देखने को मिला जी। यही वजह है कि इस बार के जो घोषणा पत्र की बात की जाए तो दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र में किसानों का जिक्र बहुत ज्यादा किया गया है। धान और गेहूं को लेकर जिस तरह से जो उसकी खरीदी है, उसका समर्थन मूल्य है वो तय किया गया है कि सरकार में आते तो उनके समर्थन मूल्य तय किए गए हैं कि उनको ये समर्थन मूल्य देंगे। तो ये सब बातें बताती हैं कि किस तरह से इनको किया जाए, कि फोकस करना जो कहते हैं कि इनको घोषणा पत्र के जरिए, वादों के जरिए, इस बार की जो वादे हैं, मैं ये बार बार बताता हूँ, इस बार के वादों में बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के वादे अगर देखे जाए तो लगभग लगभग बिल्कुल मिलते जुलते हैं। उन्हीं चीजों को फोकस करना है, चाहे युवाओं की बात की जाए, युवाओं को नौकरी की बात की जाती है उसको फोकस करना है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक तरह के वादे करती है। बिल्कुल, वादे लगभग एक, गारंटीज लगभग एक ही है। अब तभी तो कंफ्यूजन हमें दिखाना कि हम